कह रहे थे कि 370 वापस अमेंडमेंट, नहीं वो कहते थे 370 वापस, वो कहते थे 370 में अमेंडमेंट होनी चाहिए और जम्मू को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, कश्मीर को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, लद्दाख को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। देयर आर नो एनिमीज, देयर आर नॉट फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, इट्स ओनली अरेंजमेंट। नहीं दे वर नॉट, फारूक अब्दुल्ला से मिलने पार्टी से बाहर किया था, बिल्कुल किया था। इसमें कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तिरंगा हमारे लिए सुप्रीम है। उसके लिए अगर प्रोफेसर साहब, वो एक पार्टी का डिसीजन था जिसपे उनको एक्सपेल किया गया था, क्योंकि उस वक्त तिरंगे का अपमान हुआ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। वो पीएजीडी का अलायंस नहीं थे, आप हम पीएजीडी का अलायंस नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं आपको क्लियर कर दूं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं। 370 आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए और असेंबली इंतखाब 200% आज 370 जम्मू कश्मीर से मनसूख हो चुका है, और आज जम्मू कश्मीर की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां 371 की डिमांड कर रही हैं। बहरहाल मेरे साथ गगन प्रताप जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इनसे ही बातचीत करने की कोशिश करते हैं। 370 मनसूख हो चुका है, वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कायनात कि कोई भी ताकत जो है जम्मू कश्मीर को 370 नहीं दिलवा सकती, आप 371 की डिमांड कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि आज ये जो कंक्लेव थी, डोगरा सैनिक समाज पार्टी और शिवसेना का एक जॉइंट इनिशिएटिव था, कंक्लेव थी ये, और ये ऑल्ट पार्टी मीट नहीं थी। इसमें जम्मू की पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने हमें भी आमंत्रण दिया था पैंथर्स पार्टी को, जिसमें हरदेव जी थे, मैं था और पुरुषोत्तम परिहार जी थे। मेन मुद्दा ये रहा है इसके अंदर कि जम्मू कश्मीर को उसके राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर शुड बी ग्रांटेड स्टेटहुड। वो तो अमित शाह ने बोला था पहले ही, बोलने से नहीं होगा, करने से होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस आ गई हैं, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जम्मू कश्मीर को उसका राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावों की भी डेडलाइन आ गई है कि 30 सितंबर 2024 के पहले चुनाव। लेकिन गगन जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से फोर्सफुली सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के लिए कहा, उस तरह से फोर्सफुली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड के लिए नहीं कहा, वो इसलिए कहा, उसमें मैंने सोचा था मुझे कांग्रेचुलेट करेंगे, ये तो पैंथर्स पार्टी की पिटीशन थी, आपको मालूम है कि हर्षदेव जी ने पिटीशन लगाई हुई थी पैंथर्स पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में 5 सालों से ज्यादा हो गए चुनाव नहीं हो रहे, और यहाँ पर लोगों को डेमोक्रेसी से जो डिप्राइव करके रखा हुआ है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये हमारी सर ये इसी याचिका के ऊपर आया है। तो आज भी पैंथर्स पार्टी का मानना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड मिलते ही हमारी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उनके जमीन और उनकी नौकरियों की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी होनी चाहिए। 370 को पैंथर्स पार्टी किस तरह से देखती है, जो फैसला दैट हैज बीन एब्रोगेटेड, दैट हैज टू बी एक्सेप्टेड नाउ बिकॉज़ इट इज द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वी कैन नॉट से एनीथिंग, बट देयर इज अ प्रोविजन ऑफ लाइक 371 की बहुत सारी क्लॉजेस हैं, उसकी तरफ पे अगर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जमीन और नौकरियां सेफगार्ड हो जाए, आई थिंक हमने अपना काम कर लिया। सिंह जी जिंदा थे, उन्होंने इसका विरोध किया था। नहीं, विरोध नहीं किया था, वो कह रहे थे कि 370 वापस, अमेंडमेंट नहीं, वो कहते थे 370 में अमेंडमेंट होनी चाहिए और जम्मू को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, कश्मीर को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, लद्दाख को भी स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए। पार्टी से बाहर किया था, बिल्कुल किया था, क्योंकि उस वक्त तिरंगे की बात हुई थी। एक कॉन्स्टिट्यूशन पीएचडी अलायंस में कहा था कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, और तिरंगा हमारे लिए सुप्रीम है। उसके लिए अगर प्रोफेसर साहब, वो एक पार्टी का डिसीजन था जिसपे उनको एक्सपेल किया गया था, क्योंकि उस वक्त तिरंगे का अपमान हुआ था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। वो पीएचडी का अलायंस नहीं थे, आप हम पीएचडी का अलायंस नहीं है, टू बी वेरी प्रिसाइज। मैं आपको क्लियर कर दूं आपके माध्यम से, क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं, घुमाने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में पैंथर्स पार्टी नहीं दिखेगी। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएगी तो क्यों नहीं दिखेगी? एक अगर आपको कोई इनवाइट करता है पार्टी मीटिंग में, वही पीएजीडी दो तीन, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। हिंदुस्तान की बहुत सारी पार्टी शमूलियत कर रही है उसमें बहुत सारी पार्टी हिंदुस्तान की शमूलियत कर रही है, उनको क्या पीएजीडी बोलेंगे आप? वो तो एक गुपकार अलायंस है यार, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ गुपकार अलायंस। पैंथर्स पार्टी को न्योता आएगा मीटिंग्स के लिए, हम बिल्कुल जाएंगे, हम जमहूरियत को रिप्रेजेंट करते हैं यार। हम किसी के, अगर कोई किसी को शादी में बुलाता है क्या हम नहीं जाते क्या? दुश्मन भी बुलाते उसके घर भी जाते हैं, ये तो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है। क्या लगता है आपको स्टेटहुड इलेक्शन से पहले वापस? देयर आर नो एनिमीज, देयर आर नॉट फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, इट्स ओनली अरेंजमेंट्स। और जो जम्मू कश्मीर के आवाम को सूट करेगा, और खासकर जम्मू के आवाम को सूट करेगा, पैंथर्स पार्टी कितनी तैयार है पैंथर्स पार्टी आने वाले वक्त में लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए और असेंबली इंतखाब 200%। गगन प्रताप जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। आप जम्मू कश्मीर की कुछ रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां 371 की डिमांड कर रही हैं, जो लोग 370 को नहीं बचा पाए आप लोग वो जो है 371 मरकज की भाजपा हुकूमत से वापस लाएंगे। अब देखना ये जरूर होगा कि इन पार्टी की कितनी सुनवाई सेंटर में होती है, ये फिलहाल आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहरहाल आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।